आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो कल का जो हमारा संडे टेस्ट का पोर्शन है वह है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, जिसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं या नहीं आप लोग बोलेंगे? पढ़े हैं? एक बार हाँ ना में जवाब दे दें, पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं। तो आइए आइए उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ठीक। देखिए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का हम परिभाषा करते हैं तो कहता है पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। यह कहता है कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद अव्यय हो और समस्त पद नपुंसक लिंग में हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, पूर्व पद अव्यय हो और पूर्व पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ध्यान देंगे, अब कहता है कि अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास निम्न अव्ययों के साथ, निम्न अव्ययों के साथ होता है, होता है, ठीक है। फिर से एक बार परिभाषा ध्यान देंगे कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद अव्यय हो और समस्त पद नपुंसक लिंग में हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्लियर? एक बार और ध्यान से देख लेंगे, बिल्कुल आसान है कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद अव्यय हो और समस्त पद नपुंसक लिंग में हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास निम्न अव्ययों के साथ होता है जो आप लोगों को पहले पढ़ाए हैं, तो इसे देख रहे हैं। पहला अव्यय है, पहला अव्यय है अनु, अनु, अनु के लिए हम योग्यम या पश्चात लिखते हैं और उत्तर पद में लगाते हैं षष्ठी विभक्ति, उत्तर पद में लगाते हैं षष्ठी विभक्ति। हम बताए थे कि षष्ठी विभक्ति आपकी सुविधा के लिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, आपकी सुविधा के लिए यदि किसी शब्द का अंत अ से हो तो स जोड़ देंगे, जैसे राम रामस्य, यदि आ से हो तो यह जोड़ देंगे, लता क्या होगा, लता क्या होगा, लता यह, गंगा क्या होगा, गंगा यह। इसी तरह ई से हो तो एह जोड़ देते हैं और ऊ से हो तो ओह जोड़ देते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए। जैसे हम कहते हैं विग्रह बनाते समय अनुरूपम, तो ये पद इधर और ये पद इधर, तो रूप में हम लगाएंगे षष्ठी विभक्ति, तो रूप में षष्ठी लगाएंगे तो अ है तो क्या हो जाएगा, बोलिए, रूपस्य योग्यम, वेरी गुड, रूपस्य योग्यम। क्लियर? यदि हम आपसे प्रश्न करें अनुगुणम, अनुगुणम क्या होगा, बोलिए, गुणस्य योग्यम, गुणस्य योग्यम। यदि आपसे प्रश्न कोई कहे अनुरूपम, अनुरूपम बोलिए,
रूपस्य योग्यम। अब अभी जो बोले हैं उनका नाम क्या है? वैज। अपना नाम बता दे, घबराइए नहीं, नाम बताइए। आशीष। आशीष आपके लिए प्रश्न है अनुरथम, बताइए अनुरथम। हा अब बोलेंगे आशीष, रथ का मतलब क्या होता है जानते हो? सवारी किया जाए, सवारी किया जाए। हाँ तो हम कहते हैं, हाँ तो हम बोलेंगे कि आशीष रथ के योग्य है। सही है वाक्य? नहीं। तो रथ के पीछे है आशीष, पश्चात का अर्थ होता है पीछे, तो ये ध्यान देंगे रथस्य पश्चात। ऐसे आपका विग्रह सही है, आपका विग्रह सही है, अर्थ गलत है। तो क्या होगा? रथस्य पश्चात। तो अनु का हो गया। हाँ बोलो बोलो। हाँ नंबर मिल जाएगा, लेकिन चार ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में पश्चात योग्यम नहीं दिएगा। ये मान के चलो योग्यम नहीं रहेगा, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला अव्यय इसे देख लिए, मिटाए इसको, मिटा दे। अच्छा अगला अव्यय अब हमारा है, वो है, अगला अव्यय है उप। उप और उप के लिए हम लिखते हैं समीपम, और विभक्ति इसमें भी लगाते हैं षष्ठी विभक्ति। उप के लिए समीपम, षष्ठी का ये क्लियर नियम है, बना लेंगे। अब यदि हम कहेंगे उपनगरम, बताइए क्या होगा? उपनगरम, नगरस्य समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम। यदि हम आपसे कहें उपकृष्णम, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, ठीक है। यदि हम आपसे कहें उपगंगम, उपगंगम बताइए, गंगायाह, गंगायाह लतायाह, गंगायाह समीपम। अब एक और प्रश्न है उपयमुनम, उपयमुनम बताइए, यमुना याह, यमुना याह समीपम। ठीक है, अब आपसे एक लास्ट प्रश्न उपवृक्षम, उपवृक्षम, वेरी गुड, वृक्षस्य समीपम, वृक्षस्य समीपम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग इसी तरह आंसर देते रहेंगे तो मेरा भी मन आगे बढ़ते, आप उत्तर इसी तरह दें तो मेरा भी आगे बढ़ते रहेगा। उपवृक्षम, वृक्षस्य समीपम। तो अब आगे मिटाते हैं, अगला अव्यय ध्यान देंगे, ये आप लोग लिखे हैं ना, इसे आप लिखे हैं या नहीं बताइए? लिखे हैं। अगला अव्यय है, अब वो अव्यय है स, स और स के लिए लिखते हैं हम श, स के लिए क्या लिखते हैं? स, और उत्तर पद में विभक्ति लगाते हैं तृतीया, तृतीया विभक्ति। उत्तर पद में कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। अब आप लोग बताएंगे कि यदि हम आपसे प्रश्न करें स पुत्र विग्रह बताइए, पुत्रेण स, पुत्रेण स। यदि आपसे प्रश्न करें स परिवारम बताइए, स परिवारम, परिवारेण सह। अगला प्रश्न है आपके साथ स
सचक्रम क्या होगा? चक्रेण सम, चक्रेण सम। अब आशीष आपसे आशीष बोल नहीं रहे हैं, आपके लिए है सौमित्रम। आशीष आपके लिए मित्रेण सर, मित्रेण सह की मित्रेण सह, मित्रेण सह, वेरी गुड, मित्रेण सह। अब काजल आपके लिए है साश्चर्यम, साश्चर्यम काजल के लिए साश्चर्यम। बोल नहीं रही है आप। प्राची, प्राची आपके लिए आश्चर्येण सह, आश्चर्येण सह, वेरी गुड। ये हो गया स, इसमें आपको जो लिखना है लिख लेंगे, लिख लिए हैं, इसे मिटा दे। अगला अव्यय अब ध्यान देंगे हम। अगला अव्यय आपके लिए है निर, निर, और निर के लिए हम लिखते हैं अभाव, और उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, और याद रखेंगे कि बहुवचन बना देंगे, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब मान लीजिए बालक का षष्ठी विभक्ति यानी किसी भी वचन शब्द को बहुवचन बनाना है तो उसके साथ नाम जोड़ देंगे, षष्ठी बहुवचन बन जाएगा। जैसे लता, लता में नाम जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बोलो, लता नाम। यदि राम में नाम जोड़ेंगे तो क्या होगा, रामा नाम। नदी में नाम जोड़ेंगे तो क्या होगा, नदी नाम। हो जाएगा। तो हम यदि आपसे प्रश्न करें कि बेटा बताओ निर्जनम, निर्जनम जनानाम अभाव, जनानाम अभाव। यदि हम आपसे प्रश्न करें निर्विघ्नम, बोलिए, बोलिए जोर से बोलिए, विघ्नानाम, विघ्नानाम अभाव। ठीक है, अगला है निर्धनम, निर्धनम बताइए, धनानाम अभाव। यदि हम आपसे कहें निर्बाधम, निर्बाधम बाधा नाम अभाव, बाधा नाम अभाव। यदि हम आपसे प्रश्न करें निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम बोलिए, निर्मक्षिकम बोलिए, मक्षिका नाम, मक्षिका नाम अभाव, निर्मक्षिकम मक्षिका नाम। तो ये निर हो गया। अभी दो और अव्यय पढ़ना है, इसके इसे मिटा दे। अगला अव्यय है, वो अव्यय है आपके लिए प्रति, वो अव्यय है प्रति, और प्रति के लिए हम या तो प्रति लिखते हैं या इति लिखते हैं, और उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, और आगे क्या करते हैं कि जो उत्तर पद रहता है
उसे दो बार लिखते हैं। हम कितना बार लिखते हैं? दो बार लिख देते हैं। जैसे हम कहते द्वितीय या सप्तमी भी लगा सकते हैं, द्वितीय या सप्तमी, लेकिन हम डायरेक्ट द्वितीय लगाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि सप्तमी भी होगा। यदि हम आपसे प्रश्न करें प्रतिदिनम, तो दिनम और भी द्वितीय में है, तो दिनम को दो बार कर देंगे, दिनम दिनम आपका विग्रह हो गया, दिनम दिनम विग्रह हो गया, और आपको आपकी शब्द की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए दिनम दिनम प्रति या दिनम दिनम इति दोनों में से कोई एक डाल दीजिए। ठीक है, अब यदि हम आपसे प्रश्न करें प्रत्येकम, प्रत्येकम बताइए क्या होगा? एकम एकम प्रति या इति, एकम एकम प्रति या इति। यदि हम आपसे प्रश्न करें प्रति गृहम, घर घर में, घर घर में सप्तमी डाल दो, घर घर में गृहे 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 इति। अब अगला यदि हम कहें प्रति नगरम, प्रति नगरम क्या होगा? नगरे नगरे इति प्रति नगरम। अब एक आप लोग ध्यान देंगे, इसे याद भी कर लेंगे, प्रत्यहम, और इसका विग्रह होता है अहनी अहनी इति, प्रत्यहम अहनी अहनी इति। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया रिवीजन मिटाई से। अगला अव्यय है आप लोगों के लिए, वो बच गया है कौन, आप लोग बता देंगे क्यों कौन बचा है? यथा, और यथा के लिए क्या लिखेंगे बता दीजिए? अनति क्रम्य, वेरी गुड, अनति क्रम्य। और उत्तर पद में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति, द्वितीय। हम जब पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे, रोचक तथ्य यह है कि उत्तर पद ऑलरेडी द्वितीय विभक्ति में ही रहता है। तो हम यदि आपसे प्रश्न करें यथा शक्तिम, शक्तिम ऑलरेडी द्वितीय है, तो इसे लिख करके शक्तिम और ये डाल देंगे अनति क्रम्य, शक्तिम अनति क्रम्य। यदि हम आपसे प्रश्न करें यथा बलम, बताइए क्या होगा? बलम जोड़ नहीं है, बलम अनति क्रम्य, बलम अनति क्रम्य। यदि हम आपसे कहें यथा कालम, यथा कालम क्या होगा? कालम अनति क्रम्य। यदि आपसे प्रश्न करें हम यथा अस्थानम, बोलिए अस्थानम अनति क्रम्य। यदि अगला प्रश्न है यथा यथोचितम, ये जो बताएगा उसे टॉफी मिलेगा।
सही बोल के जो भी उचितम जोड़ लगा दिया बहुत पहले वही बोला है, जोड़ नहीं होगा, उचितम अनतिक्रम्य, उचितम अनतिक्रम्य। बहुत अच्छा, ये हमारा अभिभाव समास का रिविजन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम मिठाई से ना, मिठाई। अब अगला हमारा जो है वो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और इसका जो सूत्र है वो हम लोग पढ़े हैं उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष। अर्थात जिस समास में उत्तर पद, जिस पद में हम लोगों ने विभक्ति जोड़ा, उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वह कौन सा समास? तत्पुरुष समास कहलाता है। आप लोगों को हम बताए थे कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। एक समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। तो हमें समानाधिकरण तत्पुरुष समास नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण का अर्थ होता है विभक्ति, भिन्न भिन्न विभक्ति। तो अब हम ये पढ़ेंगे यह समास द्वितीय विभक्ति से लेकर द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होता है। यह समास द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होता है। शायद आप लोगों को याद होगा हम बताए थे द्वितीय में स्त्री, तातित, पतित, गत, प्राप्त इत्यादि उत्तर पद में हो तो पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होती है, शायद हम बताए थे, याद है आप लोगों को? एक बार बोल दे, कोई साहस नहीं करेंगे हमसे बात करने का। प्राची, आशीष, यानी हम हवा से बात कर रहे हैं क्या? हम हवा से बात कर रहे हैं, बोलिए। आयुषी, तो आप लोग कुछ बोलते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब देखिए, अब आते हैं हम द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, यानी इसके पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होती है, उत्तर पद में। अब यदि हम कहते हैं कृष्ण, कृष्ण स्त्रीतः, तो स्त्रीतः है तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो हो जाएगा कृष्णम स्त्रीतः, कृष्णम स्त्रीतः। यदि आपसे प्रश्न करें हम दुखा तीतः, बोल दीजिए आप लोग क्या होगा? दुखा तीतः,
बोलिए दुखम अतीतः, दुखम अतीतः। यदि हम आपसे प्रश्न करें धन प्राप्तः, धनम धनम प्राप्तः, यदि आपसे प्रश्न करें ग्राम गतः, बोलिए ग्रामम ग्रामम गतः, तो यह द्वितीय तत्पुरुष हुआ। ठीक है, ये कौन सा तत्पुरुष? द्वितीय। अब आगे आते हैं तो आगे है तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। आप लोगों को बताए थे तृतीय तत्पुरुष में पूर्व सदृश सम उन और कलह। यदि उत्तर पद में हो तो पूर्व पद में तृतीय विभक्ति, जैसे हम कहेंगे मास पूर्व क्या हो जाएगा? मासेन पूर्व, मास पूर्व मासेन पूर्व। यदि हम आपसे कहें पितृ पितृ सदृश, तो इसका होगा पिता सदृश, पिता सदृश। यदि हम कहेंगे पुत्र समम तो क्या होगा? पुत्रेण समम। आगे कहेंगे एकोनम होगा एकेन उनम, वाक कलह तो होता है वाचा कलह। तो ये हमारी तृतीय तत्पुरुष हुई। ठीक है, अब आगे आते हैं तो हम आएंगे चतुर्थी तत्पुरुष। कौन तत्पुरुष? चतुर्थी, चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें हम बताए थे अर्थ बलि सुख और रक्षित, अर्थ बलि सुख और रक्षित। अर्थ का मतलब हुआ हिंदी अर्थ करेंगे तो आप लोगों को बताए थे चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह को के लिए। तो यदि हम आपसे कहें कि पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला का अर्थ होता है घर, तो चतुर्थी लगाते हैं तो होता है पाठाय बालकाय, पाठाय शाला। यदि हम कहेंगे युप दारू, दारू का मतलब लकड़ी, दारू का मतलब लकड़ी, तो युपाय दारू। हम कहेंगे भूत बलि तो क्या होगा? भूताय बलि। यदि हम कहेंगे पुत्र सुखम तो क्या हो जाएगा? बोलिए जल्दी, पुत्राय सुखम, पुत्राय सुखम। तो ये हमारा चतुर्थी तत्पुरुष का रिविजन हुआ, थोड़ा सा चौक दिया जाए चतुर्थी तत्पुरुष का। अब आगे आते हैं तो हम आएंगे पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। आप लोग बता देंगे पंचमी तत्पुरुष सिर्फ अलगाववाचक
और भयवाचक शब्दों के साथ होता है। पंचमी तत्पुरुष सिर्फ अलगाववाचक और भयवाचक शब्दों के साथ होता है। हम बताए थे व्याघ्र भीतः, तो आपका विग्रह होगा व्याघ्रात भीतः, व्याघ्रात भीतः। यदि हम आपसे प्रश्न करें चोर भीतः, तो हो जाएगा चौरात भीतः, ठीक है। यदि हम आपसे प्रश्न करें सर्प भी, तो हो जाएगा सर्पात भी, सर्प भी, सर्पात भी। सर्पात भी। आगे आते हैं अब आते हैं हम षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष में अर्थ के अनुसार करते हैं। यदि हिंदी अर्थ करते समय शब्द के साथ का के की लगा रहेगा वह षष्ठी तत्पुरुष। जैसे हम कहते हैं राजपुरुष, तो क्या होगा राजा का पुरुष। कार्य इसका विग्रह हम कर देते हैं राज्ञः पुरुषः। यदि हम कहें राजपुत्रः तो क्या होगा बता दें, राजपुत्रः क्या होगा, राज्ञः पुत्रः, राज्ञः पुत्रः। अब यदि हम आपसे प्रश्न करें राष्ट्रपति तो क्या होगा, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रस्य पति। तो इसका हम विग्रह हमेशा क्या करेंगे, शब्द के अनुसार करेंगे, ठीक है। अब आते हैं सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष इसमें हम बताए थे शौंड कुशल निपुण दक्ष इत्यादि यदि हो तो उत्तर पद में हो तो पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति। कहते हैं हम कार्य कुशल तो क्या हो जाएगा, कार्ये कुशलः, कार्ये कुशलः। यदि हम आपसे प्रश्न करें कार्य दक्षः क्या होगा, बोलिए क्या होगा, कार्ये दक्षः, कार्ये दक्षः। तो अब आते हैं हम, ये मेरा हो गया रिवीजन। अब आते हैं, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, उस समय का सदुपयोग कितना देर बचा हुआ है बता दी जल्दी बोलिए, दो मिनट में हो जाएगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास इसका सूत्र होता है चार्थे द्वंद्व। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता हो, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता हो वह द्वंद्व समास। जैसे हम कहते हैं रामः च लक्ष्मणः च, यानी राम भी प्रधान है लक्ष्मण भी प्रधान है। तो आप लोग बताइए एक के लिए कौन सा वचन का प्रयोग करते हैं,
एक वचन, दो के लिए द्विवचन, तो बालक का प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बालको होता है। तो इस दोनों चाको हटा करके लास्ट में लिख देते हैं राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। ठीक है, यदि हम आपसे कहेंगे भीमः च